देखिए गिरिराज जी की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आज दूसरा दिन है, मुस्लिम बहुल सीमांचल के कटिहार वह पहुंच गए हैं। हम गिरिराज जी से बातचीत करेंगे। पहले दिन आपकी यात्रा भागलपुर में निकली, भारी संख्या में समर्थक आपके साथ थे, आम लोग भी उतना ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, क्या लग रहा है इस मुस्लिम बहुल कटिहार में कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? मुझे पूरा भरोसा है हिंदू इकट्ठे होंगे, जगेंगे और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ चढ़ के आएंगे। अब तो कटिहार में हिंदुओं के अस्तित्व पे खतरा है। लव जिहाद आप सुना, मेरी बेटी उठती है, यहाँ भी उठ रही है, कोई ऐसा समाज नहीं। लेकिन यहाँ एक और घटना हो रही है, लड़के का लव जिहाद हो रहा, नाम हिंदू जैसा रख लिया, लड़की लड़के को उसके जाल में फंसा, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया, यानी हमारी बेटी भी उठ रही है लव जिहाद में, बेटा भी उठ रहा है लैंड जिहाद, थूक जिहाद तो आपने सुना ही, शिक्षा जिहाद, ये हमारी संस्कृति पर चोट है। और यही इलाका है जो अब लोग जो कहते हैं कि ज़रूरत क्या है, यहाँ शरिया कानून स्थापित है, स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती है, इससे बड़ा और क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? अब क्या हम जब मेरे परिवार के कोई लोग मरे तो जलाने के बदले गाड़ेंगे तब जानेंगे कि यहाँ परिवर्तन हो रहा है? सर ये जो सीमांचल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या है, कहा जाता है घुसपैठ लगातार यहाँ पे हो रही है, डेमोग्राफी बदल गई है, तो कहा जाता है कि यहाँ से हिंदू पलायन कर गए हैं, तो जो लोग गए क्या उनको अब चाहेंगे कि वापस आएं? देखिए यहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं, मैं कल से बात कर रहा हूँ लोगों से, लोग सहमे हुए हैं, बटे हुए हैं, हिम्मत नहीं होती कि किसी के खिलाफ कुछ आवाज़ निकालें, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर संगठित हिंदू रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अच्छा सर, जदयू आपके यात्रा का विरोध कर रही है, क्या कारण है कि क्या लगता है नीतीश का जो सेकुलर छवि है उसको नुकसान पहुँचेगा आपकी तो सहयोगी? ए भाई देखिए, सेकुलर छवि से मुझे कोई लेना देना नहीं, हमारा क्या कॉमनल छवि है, हम भी सेकुलर हैं, लेकिन क्या जब हमारे ही अस्तित्व पर संकट आए तो हम अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलरिज्म का अर्थ कोई, मैं थोड़े, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कहा वो आज हो रहा है, नेहरू अगर मान लिए होते तो आज ये दुर्गति नहीं होती। सर ये बताइए कि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, भले आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा जो है राजनीतिक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप इस इलाके में घूमेंगे तो हिंदू ध्रुवीकरण होगा, बीजेपी को पूरा हिंदू वोट मिल सकता है। देखिए फिर आप लोग हर चीज़ को वोट से, जो वोट के सौदागर हैं उनके लिए ये यात्रा होगा वोट का, मेरे लिए ये पीड़ा की यात्रा है, मेरी बेटियों को सुरक्षित रखने की यात्रा है, मेरे धर्म को सुरक्षित रखने की यात्रा है, धर्म धरती और धन की सुरक्षा में रहें, इसीलिए संगठित रहें हिंदू, यही कहने आए। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसकी पुनरावृत्ति यहाँ ना हो, इस उद्देश्य के साथ आपकी यात्रा चल रही है? पुनरावृत्ति शुरू हो गया है, अगर नहीं चेते तो बांग्लादेश की स्थिति ही यहाँ होने वाली है, यहाँ मस्जिदों का जाल बिछ गया है, मंदिर सुकुड़ते जा रहे हैं, तो होता क्या है, जिनको नहीं दिखाई देता है वो आकर के यहाँ रहे। आपके इस यात्रा से पूरे देश में मैसेज जा रहा है, क्या जरूरत पड़ने पर पूरे देश में आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे? देखते चलिए, अभी तो पहली खेप की यात्रा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो यात्रा चल रही है उस पर हमसे मुखातिब हो रहे थे केंद्रीय मंत्री
गिरिराज सिंह। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, कटिहार।